हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वॉलरसियन एनालिसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या है? जहाँ पर हमारी टोटल डिमांड और टोटल सप्लाई इकोनॉमी में इक्वल हो जाती है, उस पोजीशन को हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। और स्टेबिलिटी ऑफ इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है कि यदि इक्विलिब्रियम आपका जो इनिशियल था वो डिस्टर्ब हो जाए किसी भी कारण से, तो आप दोबारा से उस इक्विलिब्रियम को ऑटोमेटिकली रिस्टोर कर लेते हैं। इसको हम स्टेबिलिटी ऑफ इक्विलिब्रियम कहते हैं, यानी इक्विलिब्रियम रिस्टोरेबल है। अब वॉलरसियन एनालिसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, तो वॉलरस क्या कहता है कि इक्विलिब्रियम को रिस्टोर किया जा सकता है। रिस्टोरिंग इक्विलिब्रियम कैसे किया जा सकता है? चेंज इन प्राइस के थ्रू। तो चेंज इन प्राइस एक ड्राइविंग फोर्स होगी जो कि इक्विलिब्रियम को रिस्टोर करेगी। तो यहाँ पर जो स्टेबिलिटी होगी वो चेंज इन प्राइसेस के थ्रू अचीव की जाएगी। इसी चीज़ को हम फर्दर डायग्राम के थ्रू समझेंगे। ये डायग्राम है, इस डायग्राम में एक्स एक्सिस पर आउटपुट लिया गया है, वाई एक्सिस पर प्राइस लिया गया है और डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व बनाया गया है, अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व बनाया गया है। डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को ई पॉइंट पर काट रहे हैं। यहाँ पर इक्विलिब्रियम डिसाइड होता है जहाँ डिमांड और सप्लाई इक्वल हैं। ये पी इक्विलिब्रियम प्राइस और नीचे की तरफ ओ क्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। अब मान लीजिए प्राइस किसी तरीके से आप इकोनॉमी में आपका डिस्टर्ब हो जाता है, चेंज हो जाता है और ऊपर की तरफ कहीं शिफ्ट हो जाता है पी वन पर। तो प्राइस जब ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा पी वन पर, आप देख सकते हैं क्वांटिटी सप्लाई ज़्यादा होगी और आपकी डिमांड जो है वो कम होगी। सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा होने के कारण क्या होगा, प्राइजेस फिर से नीचे की तरफ मूव करने लगेंगे या कम होने लगेंगे। और यदि आपका जो प्राइस है वो पी टू हो जाए, यानी प्राइस पी से डिक्रीज होकर पी टू हो जाता है, तो इस प्राइस पर आप देख सकते हैं कि आपकी जो डिमांड है वो ज़्यादा है और आपकी जो सप्लाई है वो कम है। क्वांटिटी डिमांडेड है ओ क्यू थ्री, जबकि क्वांटिटी सप्लाइड है इस प्राइस पर कितनी, ओ क्यू फोर। तो यहाँ पर डिमांड ज़्यादा होने के कारण प्राइजेस फिर से ऊपर की तरफ मूव करने लगेंगे और आपका जो इनिशियल प्राइस था इक्विलिब्रियम प्राइस वो रिस्टोर किया जाएगा। चाहे प्राइस ऊपर किसी कारण से चला जाए तो वो नीचे की तरफ मूव करेगा, चाहे प्राइस नीचे किसी कारण से चला जाए तो वो ऊपर की तरफ मूव करेगा और अल्टीमेटली आप इक्विलिब्रियम के पोजीशन में होंगे जहाँ पर पी प्राइस है आपका और ई पॉइंट इक्विलिब्रियम को शो कर रहा है। तो ये वॉलरस के सेंस में स्टेबिलिटी ऑफ इक्विलिब्रियम है, जहाँ इक्विलिब्रियम को रिस्टोर किया जाता है किसके थ्रू, चेंज इन प्राइसेस के थ्रू। दूसरा कि अनस्टेबिलिटी भी हो सकती है प्राइजेस के थ्रू, ज़रूरी नहीं है आप इक्विलिब्रियम को दोबारा से रिस्टोर कर पाएंगे। तो वॉलरस अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को भी शो करता है प्राइस मूवमेंट के थ्रू। यहाँ पर एस आपका सप्लाई कर्व है, डी डिमांड कर्व है, वाई एक्सिस पर प्राइस लिया है, एक्स एक्सिस पर आउटपुट लिया है। डिमांड और सप्लाई दोनों एक दूसरे को ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं जहाँ पर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है और ओ पी कोई इक्विलिब्रियम प्राइस है और ओ क्यू कॉरेस्पॉन्डिंग इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। अब मान लीजिए प्राइस यदि ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, तो ऊपर की तरफ प्राइजेस में आप देख सकते हैं कि आपकी जो डिमांड है वो ज़्यादा है और सप्लाई है वो कम है। यदि डिमांड ज़्यादा होगी, डिमांड कितनी है ओ, नीचे की तरफ लाइन ड्रॉ की तो डिमांड की क्वांटिटी कितनी आई, ओ क्यू वन, और इधर आप सप्लाई देखेंगे पी वन प्राइस के लिए तो सप्लाई कितनी है, ओ क्यू टू। तो क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। तो डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो इकोनॉमी में क्या होगा, प्राइस राइज करेगा, यानी पी वन से प्राइस ऊपर की तरफ कहीं मूव करने लग जाएगा। दूसरी तरफ आप देखते हैं यदि आपका प्राइस किसी भी कारण से रिड्यूस हो जाता है और पी टू हो जाता है, तो इस पी टू प्राइस पर आपकी जो सप्लाई है वो ज़्यादा है और आपकी जो डिमांड है वो कंपैरेटिवली कम है। सप्लाई ज़्यादा होगी और डिमांड कम होगी तो प्राइजेस को नीचे की तरफ मूव होना शुरू कर देंगे, तो प्राइस पी टू से भी नीचे की तरफ मूव होने लगते हैं। तो ये इक्विलिब्रियम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है जहाँ पर आपका डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व इनवर्स शेप में देखने को मिलते हैं। जनरली डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, यहाँ पर डिमांड कर्व अपवर्ड स्लोपिंग है और जनरली आपका सप्लाई कर्व है वो अपवर्ड स्लोपिंग होता है, यहाँ पर सप्लाई कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है।
और ये डिमांड और सप्लाई का क्यों अपवर्ड और डाउनवर्ड स्लोपिंग है, किस केसेस में हो सकते हैं, ये हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की वीडियो में पहले ही बात कर चुके हैं। तो ऐसे इक्विलिब्रियम में अनस्टेबिलिटी पाई जाती है वॉलरिसियन सेंस में।